for today class, and we are going to work out today is the credit creation. Yeah, that's true, the credit creation. आप बंदों की कैसे deal करना है, कैसे workout करना है credit creation को. Those who are preparing or really just working hard to get clear everything in economy, they must look or watch this video lecture very carefully. Because अभी हम करने वाले हैं credit creation. Credit creation है क्या? कौन सा क्वेश्चन क्रेडिट क्रिएशन में आता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है क्रेडिट क्रिएशन है क्या? व्हाट डज मीन द क्रेडिट क्रिएशन? हाउ टू वर्क आउट क्रेडिट क्रिएशन रियल सेंस सो दैट वी कैन क्लियर एवरीथिंग. तो शुरू से लेकर समझाएंगे क्रेडिट क्रिएशन होता क्या, पैसा कैसे वर्क आउट होता है, पैसे कैसे डील करेंगे. मनी और बैंकिंग का सबसे मोर टॉपिक से एक टॉपिक हमारा होता है क्रेडिट क्रिएशन. आपके तो क्रेडिट क्रिएशन है क्या, कैसे डील कर पाएंगे क्रेडिट क्रिएशन, तो क्लास को समझते हैं. Those who just start watching this video must have pen and notebook in their hand because they need to write down these points so that you can learn till the paper. So let's start up the credit creation. Commercial banks. पहले क्लियर था credit creation होता क्या? अच्छा काम किसे? Commercial banks. अच्छा commercial banks कैसे? Commercial banks काम कैसे करते हैं? Commercial banks पैसा हमसे लेते हैं और हम ही को वापस देते हैं. और हमारे पैसे से क्या करते हैं? Credit create करते हैं. कैसे करते हैं? हम जितने पैसे जमा कराते हैं उतने तो नहीं निकाल लेते, उसमें कुछ पैसे कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है जिसको वो फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट आगे देता है. डेफिनेटली आगे देता है. जब वो आगे देता है तो हमें जितना इंटरेस्ट दे रहा था वो उससे काफी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है. दैट इज टू क्रिएट मनी फॉर द प्रॉफिट. उसी पैसे को क्रिएट करके मार्केट में लगाना और उसी पैसे को चलाना. क्या कहता था हमारा? क्रेडिट क्रिएशन. सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझने में 10 मिनट लग जाएंगे. आपको क्लियर करना है तो आप पहले क्लियर करेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन एक्चुअली क्या है. क्रेडिट क्रिएशन इज जस्ट हैविंग द मनी एंड देन ग्रांट इट टू अदर्स एज फॉर्म ऑफ लोन और उससे पैसे को क्रिएट करना, एक चेन बनाना, उस चेन को रोल करना. तो आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले, पहले क्लियर करेंगे. हम वर्कआउट करने हैं अभी क्लास में क्रेडिट क्रिएशन. सर SLR, CRR, LRR, O मनी क्रिएशन रेशियो. तो ये सब है क्या? डिपॉजिट रेशियो, जो लोग जानते नहीं है उनको बता दूं डिपॉजिट रेशियो भी कहते हैं. इसको हम कहते हैं डिपॉजिट क्रिएशन भी कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन भी इसी को कहते हैं हम. लेट्स सी. द कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड डिपॉजिट्स आर टू बी ड्रॉन इन फुल और पार्ट. ये ध्यान रखेंगे आप, पैसा जो जमा किया था उसको हम निकालते हैं, या तो पूरा निकाल लेते हैं, थोड़े से पार्ट निकाल लेते हैं. देन फ्रॉम द डिपॉजिट अमाउंट द बैंक यूज मनी. The banks use money to grant loans. इन्हीं पैसों को यूज किया जाता है बैंक्स के द्वारा हमको लोन देने में. बैंक कोई अलग से पैसे लेके नहीं आता, हमारे पैसे हमें दे रहा होता. This function is the basic creation. याद रखना, this function is the basic creation. अगर ये नहीं होगा तो credit creation नहीं हो सकती मार्केट में. लोग बोलेंगे हम तो पैसे बैंक जमा कराएंगे नहीं, तो मार्केट खत्म हो जाएगी, लिटरली खत्म हो जाएगी, क्योंकि credit creation होगा ही. Money must be circulated. Why is the word written on a note that मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं? क्योंकि पैसा चलता है तो पैसा बिकता है. पैसे की वैल्यू तभी तक है जब वो मार्केट में है. Then it is also known as the money creation या or the deposit creation. It is the process of expansion of credit through derivation deposit. It is done by commercial banks with the motive of earning profit. Just look out the word, those are being underlined by me for your sake. इन पॉइंट्स को अच्छे से दिमाग में रखना है आपने. जिन्होंने नहीं लिखा हो दोबारा से वीडियो चेक कर सकते हैं, इसको देखेंगे, ये लिखना है आपको. This is definitely most more topic. और फिर हमारे पास आता है credit creation of the bank determined by. तो credit creation of bank determined by दो चीजें याद रखेंगे. The first, the amount of initial fresh deposit. The amount of initial fresh deposit, जितना ज्यादा deposit होगा उतना credit creation ज्यादा होगा. Second, the legal reserve ratio, LRR. What is meant by the legal reserve ratio? वो पैसा जो commercial banks को अपने पास रखना ही होता है. They must have legal reserve ratio. इतना पैसा हमारे पास पड़ा reserve में. अब आपने कहा सर, it is the minimum ratio of the deposit legally required by the commercial banks to be kept as cash. अब इसके दो पॉइंट सुना लो. It is the two component. The very first component is all about CRR, cash reserve ratio. आपने पढ़ा होगा अच्छे से. What is CRR? Commercial bank को कुछ पैसा central bank को देना पड़ता है in form of security.
जिसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये आप एग्जांपल लेते हो, सो CRR इज अ पार्ट ऑफ द LRR टू बी केप्ट बाय सेंट्रल बैंक सच एज द 20% ऑफ LRR। दैट मीन इनिशियली मैंने बोला 10,000 हो गया, अगर मैं फिक्स्ड डिपॉजिट करता हूं कि 10,000 का, तो उसका 20% कुछ 2,000 पे हम किसका देंगे सेंट्रल बैंक में एस आर सी आर आर। द सेकंड वन SLR, that is statutory liquidity ratio, जो अमाउंट कैश रिजर्व रेशियो के बाद LRR से बच जाता है वो क्या कहलाता है statutory liquidity ratio। The part of the LRR to be kept by commercial banks, to be kept by commercial banks। फिर समझ करेंगे हम the total money creation, what does mean by the total money creation। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, इनिशियल डिपॉजिट, फर्स्ट डिपॉजिट भी कह सकते हैं आप, the initial deposit into 1 by LRR, LRR legal reserve ratio, that you need to clear। Those who like this video, don't forget to subscribe the channel and share this video with other people, so the other two can get the benefit of seeing. Do hear and watch everything that was required.